ह्यूमन आइज के बाद अब हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना है कि जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो फाइनली वर्चुअल इमेज बनाते हैं और हमारी आइज जो है उस वर्चुअल इमेज को ही दिखती है। तो पहला ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, ऑल द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर्म वर्चुअल इमेज फाइनली, और फाइनल इमेज को ही हमारी आंखें देखती है, ठीक है। अब हमें यह समझना होगा कि जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हम छोटे से ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना चाहते हैं, या कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है ना, तो उसको हम लोग इलाज दूर है तो छोटा दिखता है तो उसको बड़ा करके हम लोग देखते हैं, इसलिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया जाता है, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा जो है दो कारणों से दिख सकता है, या तो साइज बड़ा हो या वो पास में हो, है ना। तो एक्चुअली में आप देखेंगे कि साइज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जैसे मैं कहूं कि ये ऑब्जेक्ट है ना, और यहां पर ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर देख रहा है यहां से, यही ऑब्जेक्ट साइज इतना ही है, अगर मैं इसको दूर कर दूंगा तो ये हमें छोटा दिखेगा, है ना। छोटा इसलिए दिखेगा क्योंकि देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहां पर जब था तो हमारी आंख के पास इतना बड़ा एंगल बना रहा था, यही ऑब्जेक्ट जब दूर चला गया तो ये हमारी आंख पर इतना छोटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो देखेंगे कि दूर जाने से चूंकि ये एंगल छोटा हो गया इसलिए ये ऑब्जेक्ट छोटा दिखने लगता है, ठीक। तो जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन पता करने के लिए ऑब्जेक्ट का साइज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हमारी आंख पर कितना एंगल बनाता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखेंगे कि जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका मैग्निफिकेशन कैसे फाइंड करेंगे, एक्चुअली में देखेंगे कि जो फाइनल इमेज है वो कितना बड़ा एंगल बनाता है, जितना बड़ा एंगल बनाएगा उतना ही बड़ा इमेज दिखेगा, यानी हमें वो ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा दिखेगा, ठीक है। तो देखेंगे मैंने यहां पर एक फिगर बनाया है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट दिखाया है ए बी, ठीक है, और यहां पर ऑब्जर्वर है, ये कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर रहा है ना। यहां पर मैंने जो डायग्राम बनाया है ये है विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट ए बी है ये आंख पर सबसे बड़ा एंगल बनाएगा जब इस ऑब्जेक्ट को लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखेंगे, है ना। ये आइज है और ये समझे कि यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच का जो सेपरेशन है वो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि हम लोग 25 सेंटीमीटर कहते हैं, उतने सेपरेशन के पास होगा, मतलब उतना सेपरेशन होगा दोनों के बीच में, तब ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट दिखेगा। उससे पास में आएगा तो क्लियर तो दिखेगा ही नहीं, इसलिए ज्यादा पास में ला नहीं सकते, इसे दूर ले जाएंगे तो ये एंगल छोटा होने लगेगा, यानी ऑब्जेक्ट हमें छोटा दिखने लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पता करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज हमें देखना है वो ऑब्जेक्ट बिना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के कितना बड़ा हम देख सकते हैं। कितना बड़ा देखने का मतलब है कि मैक्सिमम एंगल जो है वो हमें पता करना है। तो इस मैक्सिमम एंगल को पता करते हैं इस तरह से, टैन थीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू, देखेंगे यहां पर जो ट्रायंगल बन रहा है इसको मैं लिख सकता हूं ए बी डिवाइडेड बाई डी, ठीक। अब इसी ऑब्जेक्ट को मैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से देखता हूं, जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से देखूंगा तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बड़ा कर देगा, है ना। इमेज बड़ा कर देगा तो वो इमेज हमारी आंख पर कितना एंगल बनाएगा, वो एंगल ऑब्वियसली इस थीटा मैक्सिमम से बड़ा होना चाहिए। ध्यान रखना है कि ये थीटा मैक्सिमम किसके लिए है, बिना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किए हुए। जब हम इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो वो जो थीटा है वो इस थीटा मैक्सिमम से बड़ा होना चाहिए, तभी उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का कोई यूज है। अदरवाइज हम तो बिना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के इतना बड़ा है देख रहे हैं, है ना, इतना बड़ा देख सकते हैं। तो इसलिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी एंगल बनाएगा
या कहें कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट द्वारा बनाया गया जो इमेज है वो जो भी एंगल बनाएगा वो इस थीटा मैक्सिमम से बड़ा होना चाहिए। तो उस केस में जैसे मैं कहूं कि यहां पर हमने ऑब्जेक्ट रखा, ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लेंस है ना, तो यहां पर हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, ठीक है, विथ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये हो गया बिल्कुल वही वाला ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है। मान लिया कि इसका वर्चुअल इमेज हमने बना दिया पीछे, ये हो गया ए डैश बी डैश, ठीक, ये कुछ ऐसा बनेगा। तो अब ये जो एंगल है ये थीटा है, ये जो थीटा है वो इस थीटा मैक्सिमम से बड़ा होना चाहिए, है ना। जितना साइज ए बी का यहां पर था उतना ही साइज यहां भी ए बी का है, लेकिन इसका जो इमेज बन रहा है वो एनलार्ज्ड इमेज है ना। तो वो जितना बड़ा एंगल बनाएगा उतना ही कहेंगे कि मैग्निफिकेशन ज्यादा हो गया, ठीक। तो इसमें अगर मैं टैन थीटा निकालूं, टैन थीटा ये जो है इसको मैं लिख सकता हूं ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ये जो भी इमेज का डिस्टेंस होगा, मान लिया वी है, बाई वी, है ना। तो ये हो गया थीटा। यहां पर हम लोग कहेंगे कि जो थीटा मैक्सिमम है ये क्या है, एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट व्हेन, ये एक्चुअली में मैक्सिमम एंगल है ना, ये ध्यान रखना है, मैक्सिमम एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट व्हेन सीन बाई नेक्ड आईज, और कह सकते हैं सीन विदाउट यूजिंग एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना। और जो थीटा है वो क्या है, थीटा हो गया एंगल सबटेंडेड बाई इमेज फॉर्म्ड बाई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो इमेज बनाएगा वो सर्टेनली बड़ा एंगल बनाएगा। तो ध्यान रखना है कि जो थीटा है वो ग्रेटर देन थीटा मैक्सिमम है। तो हम लोग कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर, ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई थीटा मैक्सिमम, है ना। थीटा स्मॉल हो तो इसको हम लोग जो है अप्रोक्सीमेटली टैन थीटा बाई टैन थीटा मैक्सिमम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो मैग्निफिकेशन है या मैग्नीफाइंग पावर है इसको हम लोग इसी तरह से डिफाइन करते हैं, है ना। इसको हम लोग कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन, है ना। ये ध्यान रखना है कि चूंकि थीटा जो है थीटा मैक्सिमम से बड़ा आएगा, यानी ये जो वैल्यू आएगी ये ग्रेटर देन वन आएगा हमेशा, ठीक। तो जब भी हम लोग किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो उसमें एक जो थीटा मैक्सिमम होगा ये फाइंड करने के लिए जो ऑब्जेक्ट है उसको सबसे नजदीक रखेंगे, है ना, जितना नजदीक हो सकता है। अगर कोई पास में ऑब्जेक्ट है तो उसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखेंगे, तब सबसे बड़ा एंगल बनाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी है फिर तो हम उसका पोजिशन चेंज कर नहीं सकते, है ना। तो उसके लिए जो भी वो एंगल बना रहा होगा वो एंगल मेजर कर लेना, वही उसके लिए थीटा मैक्सिमम कहलाएगा, है ना। तो जैसे हम बात करते हैं पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, इसको कहा जाता है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप जो है एक्चुअली में छोटे ऑब्जेक्ट को इनलार्ज करके देखने के लिए यूज किया जाता है, है ना। आपने फिल्मों में देखा होगा कि जो डिटेक्टिव होते हैं एक लेंस लेकर के चलते हैं, वो जो लेंस है वही सिंपल माइक्रोस्कोप है, या जो वॉच रिपेयर करने वाला जो शॉप होता है उसमें भी जो है वो लोग यूज करते हैं ऐसा माइक्रोस्कोप, है ना। तो एक्चुअली में क्या है, ये एक कन्वर्जिंग लेंस होता है जिसका फोकल लेंथ बहुत ही कम होता है, इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस हैविंग स्मॉल
फोकल लेंथ विच इज यूज्ड टू व्यू द एनलार्ज्ड इमेज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट जैसे कोई बहुत ही छोटे से लेटर्स में कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़ना हो तो हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज कर सकते हैं, है ना। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में जैसा कहा गया कि एक लेंस होता है, ना लेंस का ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसके सामने हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे, है ना। इनफैक्ट जो है अगर एनलार्ज इमेज देखना हो तो बिल्कुल इसके फोकस के आसपास ही कहीं ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए, है ना। तो इसमें देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग कहीं भी रख सकते हैं। यहां पर फोकस हो गया, जैसे कि जैसे ये फोकस हो गया और ये बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, है ना। तो जो ऑब्जेक्ट है वो यहां से लेकर के फोकस के बीच में कहीं भी रखेंगे तो उसका एनलार्ज्ड इमेज बनता है पीछे की तरफ, है ना, मतलब सामने की तरफ यहीं पे बनेगा, ठीक है। तो चूंकि वर्चुअल इमेज बनाना है, जैसा कि मैंने कहा कि हर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट फाइनली वर्चुअल इमेज बनाता है, तो ये भी वर्चुअल इमेज बना रहा होगा, है ना। और उसके लिए जो ऑब्जेक्ट है उसको ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखना पड़ेगा, तब इमेज जो है वो ऑप्टिकल सेंटर और माइनस इन्फिनिटी के बीच में कहीं बनेगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहला केस देखेंगे, मतलब जो दो लिमिटिंग वैल्यू हो सकती है कि जो फाइनल इमेज है वो या तो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पर बने या हो सकता है कि इन्फिनिटी पर बने, है ना। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन से पहले अगर इमेज बन रहा हो तो हमें तो दिखेगा नहीं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 25 सेंटीमीटर या इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी इमेज को बनाया जा सकता है, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको हम लोग कहते हैं 25 सेंटीमीटर, अगर यहां पर इमेज बनेगा तो कितना मैग्नीफाई होगा उस केस में वो हमें पता करना है। तो मैं फिगर बनाता हूं, जैसे ये हो गया अपना लेंस, है ना, और इधर जो है फाइनली कहा जा सकता है कि ये हो गया इमेज ए डैस बी डैस, और ये बन रहा है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर डी, जिसको हम लोग कहते हैं 25 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू होती है। इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है उसको हमें कहीं इधर ही रखना पड़ेगा, मतलब कि जो फोकस है, ये फोकस हो गया, फोकस के अंदर कहीं रखना पड़ेगा। तो मान लिया कि जो ऑब्जेक्ट है वो है ए बी और उसका इमेज यहां पर बन रहा है, आप रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा ही रे डायग्राम होता है जो हमने बनाया था, है ना, कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज इधर बनेगा, ठीक। तो ये एक्चुअली में थीटा कहलाएगा। अगर मुझे थीटा मैक्सिमम निकालना है, मैं कह सकता हूं कि अगर टैन थीटा मैक्सिमम निकालना है तो उस केस में हम लोग इसकी वैल्यू कैसे पता करेंगे। ऑब्जेक्ट जो है उसका लेंथ है ए बी, ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट है उसको लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखेंगे, जैसा कि यहां पर हमने बताया था, है ना। अगर वो जो ऑब्जेक्ट, जैसे मान लिया कि कोई पेपर ही पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, पेपर को 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखेंगे, हमें जितना बड़ा दिख रहा होगा या जो लेटर है जिसको पढ़ना है वो जितना बड़ा एंगल बना रहा होगा वो थीटा मैक्सिमम कहलाएगा। तो उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग ए बी बाई डी यूज कर सकते हैं, है ना। तो टैन थीटा मैक्सिमम हो गया ए बी बाई डी, और यहां पर थीटा निकालेंगे। थीटा जो है एक्चुअली में ये जो इमेज है इसकी हम बात कर रहे हैं, है ना। तो ये ए बी है और चूंकि इमेज डी पर बन रहा है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट हमने मान लिया कि यू डिस्टेंस पर रखना पड़ रहा है ना। तो अगर मैं टैन थीटा की वैल्यू निकालूं तो टैन थीटा की वैल्यू मैं लिख सकता हूं यहां पर ए बी बाई यू,
ऐसे रख सकता हूं मैं, ए बी डिवाइडेड बाई यू या ए डैश बी डैश बाई डी, दोनों से बराबर थीटा की वैल्यू आएगी। तो मैं ये रखता हूं ए बी डिवाइडेड बाई यू, ए बी डिवाइडेड बाई यू। तो अगर मुझे मैग्निफिकेशन निकालना है तो मैग्निफिकेशन होता है थीटा बाई थीटा मैक्सिमम। जैसा कि मैंने कहा कि इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली टैन थीटा बाई टैन थीटा मैक्सिमम भी लिख सकते हैं, है ना। तो टैन थीटा की वैल्यू यहां से देखेंगे ये आएगा ए बी बाई यू, और टैन थीटा मैक्सिमम का वैल्यू जो है ए बी बाई डी। तो इसमें से ए बी और ए बी कैंसिल हो गया, ये आ गया डी बाई यू। तो डी तो फिक्स्ड वैल्यू होता है 25 सेंटीमीटर, 1 बाई यू की वैल्यू हमें पता करनी है। तो 1 बाई यू की वैल्यू पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। देखेंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता करना है जिसके लिए इमेज डिस्टेंस कैपिटल डी के बराबर है, है ना। तो मैं लेंस फॉर्मूला यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है उसकी जगह पर मैं माइनस यू रखता हूं, ठीक है, ऑब्जेक्ट माइनस यू, और इमेज डिस्टेंस मैं रखूंगा माइनस डी यहां पर, ठीक है, ये भी इस साइड में है इसलिए निगेटिव में आएगा। फोकल लेंथ जो है इसका हमें पहले से पता होगा, फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव होता है क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है। तो मैं अब लेंस फॉर्मूला यूज करता हूं, बाई लेंस फॉर्मूला 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो 1 बाई वी के जगह पर रखेंगे माइनस डी और यू के जगह पर माइनस यू, है ना। ये मतलब जो हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं यहां पर, ये यू जो है जस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो माइनस मैंने साइन लगाया वहां पर, इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 1 बाई यू माइनस 1 बाई डी इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई डी को मैं उस साइड ले जाता हूं, 1 बाई एफ प्लस 1 बाई डी, मतलब डी प्लस एफ डिवाइडेड बाई डी इंटू एफ। तो यहां से अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू आप देखेंगे तो मैग्निफिकेशन हमने कितना लाया था, यहां से यह आया था डी बाई यू, डी इंटू 1 बाई यू। 1 बाई यू की वैल्यू हमने जो है यहां से पता किया है जो कि इतना आया है। तो इसको रखते हैं यहां पर, ये हो जाएगा डी प्लस एफ डिवाइडेड बाई डी एफ। तो ये डी और ये डी कैंसिल हो गया, तो जो मैग्निफिकेशन है ये हो गया 1 प्लस डी बाई एफ, है ना। तो ये जो है ये एक केस हुआ कि अगर जो फाइनल इमेज है अगर वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनेगा तो मैग्निफिकेशन कितना होगा, मतलब कि एक तरह से कहें तो ये एक्सट्रीम वैल्यू है, ठीक। एक मैग्निफिकेशन हम लोग तब पता कर सकते हैं जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बने, है ना। अब होगा क्या कि जो इमेज है वो डी और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी हो सकता है, तो वो जो दो मैग्निफिकेशन हम लोग पता करेंगे एक्सट्रीम वाले, उन दोनों मैग्निफिकेशन के बीच में कहीं इसका मैग्निफिकेशन आ सकता है, ठीक है। तो दूसरा वाला केस देखते हैं जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा। मैग्निफिकेशन की जो दूसरी वाली एक्सट्रीम वैल्यू है उसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है यानी कि ऑब्जेक्ट ए बी जो है इसको फोकस पर रखते हैं। ये हो गया इसका फोकस, अगर फोकस पर रखेंगे तो इसका इमेज जो है वो इन्फिनिटी पर बनेगा, है ना, और ये हाईली एनलार्ज्ड इमेज बनाएगा। तो इस केस में यहां पर जो थीटा आएगा इसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी। ये ध्यान रखना है कि चूंकि इमेज इन्फिनिटी पर बना रहे हैं तो उसके लिए ऑब्जेक्ट अपना फोकस पर रहना चाहिए। तो इस केस में टैन थीटा की जो वैल्यू होगी वो हम लोग पता कर सकते हैं, वो आ जाएगा यहां पर ए बी डिवाइडेड बाई एफ। एक्चुअली में इधर इमेज बनेगा, इधर इन्फिनिटी पर ए डैश बी डैश है ना, तो ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी करेंगे तो वो भी टैन थीटा बताएगा, और ए बी बाई एफ बताएंगे तो वो भी टैन थीटा बताएगा।
ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी हम तो कहीं रखना नहीं चाहते किसी भी एक्सप्रेशन में, क्योंकि वो अनडिफाइंड है, इसलिए बेटर ये है कि थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग ये यूज करेंगे ए बी डिवाइडेड बाई एफ। तो ये हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई एफ। उसी ऑब्जेक्ट को यानी कि ए बी को अगर डी पर रखेंगे तो मैक्सिमम एंगल बनाता है ना। अभी हमने पता किया था कि जो टैन थीटा मैक्सिमम है वो आएगा ए बी बाई डी। मैंने कहा कि बिना किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के जब उस ऑब्जेक्ट को डीप डिस्टेंस पर रखेंगे तो सबसे बड़ा एंगल बनाता है ना। तो यही ए बी ऑब्जेक्ट है, उसको मैं डी डिस्टेंस पर रखूंगा तो सबसे बड़ा एंगल थीटा मैक्सिमम बनाएगा, तो टैन थीटा मैक्सिमम की वैल्यू ए बी बाई डी आएगी। इसमें ध्यान रखना है कि जो ऑब्जर्वर है वो बिल्कुल पास में है, मतलब ऐसा समझना है कि ऑब्जर्वर बिल्कुल पास में यहां से कहीं ये देख रहा है, इसलिए जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से है वही ऑब्जर्वर से भी वही डिस्टेंस माना जाएगा। इस वाले केस में भी ऐसे समझना है कि जो ऑब्जर्वर है वो बिल्कुल पास में है यहां पर, है ना, यहां से ऑब्जर्वर देख रहा है। तो इमेज डिस्टेंस मैंने कहा कि डी है ना, तो डी लेंस से भी माना हमने और ऑब्जर्वर से भी माना, तो एक्चुअली में ऑब्जर्वर से होना चाहिए लेकिन लेंस के लिए भी हमने उतना ही डिस्टेंस माना है डी, वो इसलिए क्योंकि दोनों पास में है बिल्कुल, मतलब लेंस से देखा जाता है तो बिल्कुल आंख के पास में ले जाकर देखा जाता है, इसलिए इमेज डिस्टेंस यहां पर ऑब्जर्वर से भी डी होगा और लेंस से भी डी डिस्टेंस पर होगा। तो अब ये दोनों वैल्यू आ गए तो हम लोग मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, मैग्निफाइंग पावर है ना। तो ये आएगा एम इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई थीटा मैक्सिमम, इसको हम लोग लिख सकते हैं टैन थीटा डिवाइडेड बाई टैन थीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू टैन थीटा की वैल्यू आएगी ए बी बाई एफ और टैन थीटा मैक्सिमम आएगा ए बी बाई डी। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्निफिकेशन है ये हो गया डी बाई एफ। तो ये दो एक्सट्रीम वैल्यूज हो गए है ना, मतलब देख सकते हैं एक्चुअली में ये मिनिमम मैग्निफिकेशन होगा, ये जो है ये मिनिमम वाला मैग्निफिकेशन है और ये जो आया है ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है, ठीक है। तो जो इमेज है वो डी या इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी बनेगा तो जो मैग्निफिकेशन है वो इन्हीं दोनों के बीच में बनेगा, है ना। तो कह सकते हैं कि सो मैग्निफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप विल लाई बिटवीन डी बाई एफ एंड वन प्लस डी बाई एफ। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, है ना। ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये बहुत ही छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज किया जाता है जिनको हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते, मतलब बिना किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज किए हुए उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो वैसे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ये माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है ना। इट इज यूज्ड टू व्यू द वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स विच कैनॉट बी सीन बाय नेक्ड आईज, है ना। जैसा कि मैंने बताया वायरस के बारे में, वायरस जो है हमें दिखता नहीं है लेकिन इस माइक्रोस्कोप को यूज करके उसको देख सकते हैं, ठीक। अब देखेंगे कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें लेंस का अरेंजमेंट कैसा होता है। इसमें दो लेंस होते हैं, देखेंगे यहां पर एक छोटा सा लेंस दिखाया गया है, इसको ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट लेंस कहा जाता है और एक लेंस यहां पर है इसको आई लेंस कहा जाता है। आई लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ऑब्जर्वर है ऑब्जर्वर का आंख जो है वो इसी लेंस के पास में होता है, यहां से हम लोग देखते हैं,
ठीक। तो देखेंगे कि इसमें जो डायग्राम बनाया गया है ना, यहां पर ये ए बी एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाना है। अगर रियल इमेज बनाना हो तो इस ऑब्जेक्ट को फोकस के आगे रखना पड़ेगा, फोकस के पहले रखने पर वर्चुअल इमेज बन जाता है, जैसा कि इसमें बन गया था, है ना, सिंपल माइक्रोस्कोपिक केस में। तो यहां पर चूंकि रियल इमेज बनाना है उधर, इसलिए हमने इसको फोकस के जस्ट आगे रखा है, ठीक है। तो इस ए बी का इमेज जो है वो यहां पर बन गया ए डैश बी डैश, है ना। अब ए डैश बी डैश जो इमेज बनाया है इस लेंस ने, ये इमेज इस ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट काम करेगा, है ना, और इस ऑब्जेक्ट का इमेज, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज यहां पर बनाया है इस लेंस ने, तो ये जो इमेज बना है ये फाइनल इमेज है, ठीक। तो ये जो कॉम्बिनेशन है लेंस का, या कहें जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, अगर इसका मैग्निफिकेशन हमें पता करना हो, है ना, अगर मैग्निफिकेशन पता करना हो तो हमें क्या करना चाहिए, यहां पर किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट के लिए जो मैग्नीफाइंग पावर हम लोग निकालते हैं थीटा बाय थीटा मैक्सिमम करके, वैसे निकालना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहां पर बता देता हूं कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है या आई लेंस है, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है ये बहुत ही स्मॉल फोकल लेंथ वाला होता है, इट इज कन्वर्जिंग लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल एपर्चर। एपर्चर का मतलब हो गया उसका साइज जो है छोटा होता है, जबकि जो आई लेंस है इसका फोकल लेंथ तो छोटा होता है लेकिन एपर्चर बहुत बड़ा होता है। इट इज कन्वर्जिंग लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ एंड लार्ज एपर्चर, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा होता है, हालांकि यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा दिखा दिया है, है ना, ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होता है तो वहां से जो लाइट निकलेगा वो भी बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है लेंस के पास में ही होता है, इसलिए लेंस छोटा रखा जाता है, ठीक है। अब लेकिन ये जो है, ये जो यहां से जो लाइट पास करने के बाद जो है वो काफी स्प्रेड हो सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइट कलेक्ट हो जाए इसके लिए इसका एपर्चर बड़ा रखा जाता है। बड़ा रहेगा तो लाइट की इंटेंसिटी यहां पर ज्यादा होगी, तो इमेज जो है वो क्लियर दिखेगा, ठीक। अब हमें इसमें मैग्निफिकेशन पता करना है, तो सबसे पहले मैं बताऊं तो जो टैन थीटा मैक्सिमम है वो हमें पता है, हालांकि हमें दिखता तो है नहीं, नेक्ड आई से दिखता तो है नहीं, फिर भी हम लोग कह सकते हैं कि अगर ए बी लेंथ है ए बी बाई डी, उसको जो है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रख के देखेंगे, जितना एंगल बनेगा उसको थीटा मैक्सिमम कहेंगे, तो ये आया इतना टेन थीटा मैक्सिमम की वैल्यू। और इस केस में जो फाइनल इमेज है, ये फाइनल इमेज, क्योंकि हम जो है हम लोग ये वाला इमेज नहीं देखेंगे, हम तो ये इमेज देखेंगे फाइनली, हमें ये फाइनल इमेज दिखेगा, ठीक है। तो ये फाइनल इमेज जो भी एंगल यहां पर बनाएगा ये हमारे लिए थीटा है ना, तो इसमें अगर टेन थीटा का वैल्यू निकाला जाए तो ये आ जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाय डी। मैंने क्या करा है कि जो फाइनल इमेज है वो इस लेंस से डी डिस्टेंस पर बनाया, डी का मतलब है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वहां पर बनाया है, और इसलिए मैंने टैन थीटा की वैल्यू ए डबल डैश बी डबल डैश बाय डी लिया है, ठीक है। एक्चुअली में क्या है, हम लोग जो भी फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं वो तो किसी भी पोजीशन पर, अगर मैं इमेज कहीं भी बनाता तो उसके लिए वैलिड था, लेकिन उस केस में डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना पड़ता या हमें कुछ पहले से पता होता तो करते, लेकिन हमें जो है चूंकि अपना जो सॉल्यूशन है वो सिंपल हो, उसके लिए हमने क्या करा, उसको डी पर रख दिया है। डी के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे हम लोग, तो टैन थीटा की वैल्यू ये आ गई, तो जो मैग्निफाइंग पावर है ये होता है थीटा डिवाइडेड बाई थीटा मैक्सिमम, या कहें
टैन थीटा डिवाइडेड बाई टैन थीटा मैक्सिमम, है ना। तो टैन थीटा की जो वैल्यू है यहां से आया है ए डैश बी, ए डबल डैश बी डबल डैश बाई डी, और टैन थीटा मैक्सिमम ये है ना, तो ये हो जाएगा डी डिवाइडेड बाई ए बी। तो यहां से डी और डी कैंसिल हो गया, ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए बी, है ना। अब मैं क्या करता हूं कि इसमें ए डैश बी डैश से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से मैग्निफिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो ये मैं लिख सकता हूं यहां पर ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश इनटू, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये वाला जो वैल्यू है ये क्या हो गया, ए डैश बी डैश बाई ए बी, ये हो गया मैग्निफिकेशन बाई ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस ने इमेज बनाया है ए डैश बी डैश, ये इसके लिए इमेज का हाइट हो गया, और ए बी था ऑब्जेक्ट का हाइट, है ना। तो इमेज का हाइट बाई ऑब्जेक्ट का हाइट, ये हो गया मैग्निफिकेशन बाई ऑब्जेक्ट लेंस, और ये क्या हो गया, ये आएगा मैग्निफिकेशन बाई आई लेंस। देखेंगे कि आई लेंस ने इमेज बनाया है ये ए डबल डैश बी डबल डैश, और इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या था, ये ए डैश बी डैश। तो इमेज ये हो गया ए डबल डैश बी डबल डैश, और ऑब्जेक्ट हो गया ए डैश बी डैश। तो यानी कि इमेज बाई ऑब्जेक्ट का हाइट का रेशियो जो है वो बताएगा मैग्निफिकेशन बाई आई लेंस। तो मैं इसको लिख सकता हूं एम ई, है ना। एक्चुअली में ये वाला एम ओ है और ये वाला एम ई है, ठीक है। तो एक्चुअली में ये जो फॉर्मूला है हमने एक पर्टिकुलर केस के लिए ड्राइव किया है, है ना। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये हमेशा वैलिड है, चाहे इमेज मैं डी पर बनाऊं या इन्फिनिटी पर बनाऊं या कहीं भी बीच में बनाऊं, ठीक है। मैंने फॉर्मूला ड्राइव कराने के लिए एक पर्टिकुलर केस लिया क्योंकि मुझे सबसे सिंपल केस यही दिखता था डी वाला, है ना, इसलिए। तो ये जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है इसमें पहले हम लोग एम ओ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे एम ओ क्या है, यह है मैग्निफिकेशन बाई ऑब्जेक्टिव लेंस, ये वाला जो लेंस है। तो इसका मैग्निफिकेशन हम लोग लिखते हैं, ये हो गया वी ओ डिवाइडेड बाई यू ओ, मतलब कि इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे कि चूंकि जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस के जस्ट आगे रखा जाता है, यानी कि जो यू ओ है इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली जो है वो एफ ओ के बराबर रख सकते हैं, है ना। तो जो यू ओ है इसको मैं रख दूंगा एफ ओ के इक्वल। अब दोनों लेंस के बीच का जो सेपरेशन होता है एक्चुअली में वो ट्यूब का लेंथ होता है। एक ट्यूब होता है, उस ट्यूब के आगे ये ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, पीछे जो है आई लेंस होगा जहां से हम लोग देखते हैं, है ना। तो दोनों लेंस के बीच का जो सेपरेशन है वो ट्यूब का लेंथ बताएगा, ठीक। तो यहां पर देखेंगे कि वैसे तो ये दोनों ही फोकस छोटे हैं, लेकिन ये जो इसका जो फोकस है इसके फोकस के आगे वो वाला इमेज बना है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव का फोकस यहां पर है, इसके आगे जो है वो रियल इमेज बना है। अब रियल इमेज इसके आगे बना है, और हमें पता है कि अगर ये वाला लेंस वर्चुअल इमेज बना रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इमेज है या इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो इसके फोकस के अंदर होना चाहिए। तो अंदर होने का मतलब है, चूंकि ये फोकस एफ ई भी बहुत छोटा है, ये वाला डिस्टेंस भी बहुत छोटा है, और इसके अंदर ये इमेज बन रहा है ये वाला, है ना। इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का एक्चुअली में ये वी ओ है, है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा बनाए गए इमेज का डिस्टेंस, है ना। तो वी ओ को अप्रोक्सीमेटली एल के बराबर लिख सकते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत छोटा होगा, ये एफ ई भी छोटा है, ये तो और भी छोटा हो जाएगा। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि जो वी ओ है वो अप्रोक्सीमेटली एल के इक्वल होगा। यहां पर एल क्या है, ट्यूब का लेंथ है। तो एम ओ की तो वैल्यू निकल गई, अब हमें रह जाएगा एम ई निकालना, यानी कि जो आई लेंस है इसका मैग्निफिकेशन निकालना।
तो इसका मैग्निफिकेशन कैसे निकलेगा ये देखेंगे, बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा बिहेव कर रहा है। सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या करते थे कि फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट रखते थे और उसका इमेज या तो डी पर बनता था या इन्फिनिटी पर बनता था, है ना। तो जब डी पर बनेगा, सिंपल माइक्रोस्कोप में अगर आपको याद हो कि जब लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनता था इसका इमेज, तब मैग्निफिकेशन आया था 1+D/F, है ना। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि जो आई लेंस है, आई लेंस जस्ट बिहेव्स लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप, है ना। और सिंपल माइक्रोस्कोप का जो है हमने मैग्निफिकेशन दो डिफरेंट केसेस के लिए, एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए फाइंड किया था हमने। तो जब एक लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर जब इमेज बन रहा था तो जो मैग्निफिकेशन आया था सिंपल माइक्रोस्कोप का वो आया था 1+D/F। यहां पर आई लेंस का मैग्निफिकेशन बिल्कुल उतना ही होना चाहिए क्योंकि ये सिंपल माइक्रोस्कोप जैसे बिहेव कर रहा है। तो यहां पर आई लेंस का मैग्निफिकेशन कहूंगा 1+D/FE। FE क्या है? फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। ये हो गया। इसका मतलब जो फाइनल मैग्निफिकेशन है, सो फाइनल मैग्निफिकेशन कहें या मैग्नीफाइंग पावर कहें, एम इज इक्वल टू, यहां पर हम देखेंगे एम ओ इंटू एम ई होता है ना, एम ओ इंटू एम ई। एम ओ की वैल्यू हमने यहां पर कितना निकाला, यह एल बाई एफ ओ। एल जो है ट्यूब का लेंथ है और एफ ओ ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ है, और एम ई की वैल्यू ये आ गया 1+D/FE, वेयर एल इज लेंथ ऑफ ट्यूब, एफ ओ जो है ये हो गया फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और एफ ई जो है ये है फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। कैपिटल डी पता है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है जिसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है। अब दूसरा वाला जो केस है, दूसरा जो एक्सट्रीम वैल्यू आएगा मैग्निफिकेशन का, वो तब आएगा जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन जाए, है ना। तो जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा तो हमने कहा कि जो आई लेंस है वो सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा बिहेव कर रहा है ना। आई लेंस इज, और कह सकते हैं कि बिहेव्स एज सिंपल माइक्रोस्कोप। जो दूसरा वाला केस है, मैं वो पहले केस लिख देता हूं। दूसरा वाला केस है व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, है ना। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में जब इन्फिनिटी पर इमेज बनता था तो जो मैग्निफिकेशन आया था वो आया था D/F। यहां पर कहा गया कि जो आई लेंस है वो सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा बिहेव कर रहा है, यानी आई लेंस का जो मैग्निफिकेशन है वो D/FE होना चाहिए, ठीक। तो जो फाइनल मैग्निफिकेशन हो सकता है, फाइनल मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू एम ओ इंटू एम ई। एम ओ तो है एल बाई एफ ओ, जैसा कि यहां रखा वहां हमने फाइंड किया था, और एम ई की वैल्यू यहां पर आ गया D/FE, ठीक है। तो ये हो गया इस केस में फाइनल मैग्निफिकेशन। चूंकि हमने ये दो एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड किए हैं मैग्निफिकेशन के, जिसमें से ये एक्चुअली में मिनिमम वाला मैग्निफिकेशन है और ये जो है ये मैक्सिमम वाला मैग्निफिकेशन है, तो इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन होगा ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू के बीच में कहीं आना चाहिए। सो मैग्निफाइंग पावर और मैग्निफिकेशन
ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप लाइज बिटवीन एल बाई एफ ओ इंटू डी बाई एफ ई एंड एल बाई एफ ओ वन प्लस डी बाई एफ ई। मतलब ये वाली वैल्यू मिनिमम है, ये वाली मैक्सिमम है, उसके बीच में कहीं भी इसका मैग्निफिकेशन जो है वो लाई कर सकते हैं।